और अब बात पाकिस्तान की, एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। आज यही आतंकिस्तान गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है। महंगाई बम ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपने अस्तित्व को कैसे बचा पाएगा। आवाम में भारी त्राहिमाम, दिवालिया पाकिस्तान। पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, शाबाज सेना हो पाएगा। सर हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूँ। सड़क पर कंगाल मुल्क, अब होगा गृह युद्ध। महंगाई की मार से पाकिस्तान पल पल तड़प रहा है। पाकिस्तान अब सड़कों पर आने वाला है और बहुत जल्द आप पाकिस्तान में श्रीलंका वाला नजारा देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार $3 बिलियन से भी कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास विदेशों से कुछ भी मंगवाने के लिए पैसे नहीं। पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से IMF की तरफ पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा था कि IMF उसे कुछ भीख दे दे, जिससे कुछ वक्त का इस मुल्क का गुजारा हो पाए। लेकिन बात नहीं बनी। 31 को IMF की टीम आई और 10 दिन तक रुकी। IMF ने जो शर्तें रखी थी, पाकिस्तान उन्हें पूरा नहीं कर पाया। मैराथन बैठकों के बाद IMF बिना लोन दिए पाकिस्तान से चला गया। IMF ने लोन के लिए साफ इनकार नहीं किया है, लेकिन दिया क्यों नहीं वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो लोन चुका सके, और इसीलिए IMF चाहता है कि पाकिस्तान कम से कम लोन नहीं तो ब्याज तो टाइम पर देने की हैसियत रखे, और इसीलिए उसने पाकिस्तान सरकार के आगे कड़ी शर्तें रखी हैं। शहबाज ने IMF के सामने खूब नाक रखड़ी, IMF के सामने खूब मिन्नतें की, IMF के सामने दिन रात हाथ जोड़े, ऐसा शहबाज खुद बता रहे हैं। सर हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूँ अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया, और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। बांग्लादेश ने भी IMF से उतना ही लोन मांगा था। IMF को बांग्लादेश को लोन देने में कोई भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि IMF को पता है कि बांग्लादेश लोन चुका सकती है। पाकिस्तान की सरकार सिर्फ सत्ता भोगने आती है, वो लोन लेके भी अपनी जनता को कुछ खास रियायत नहीं दे सकती। लोन तो छोड़िए, वो ब्याज तक नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो या फिर मार्शल लॉ ही क्यों ना हो, वजीर खजाना शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, मिफ्ता इस्माइल हो या इसहाक डार हो, मुख्तलिफ मामलात पर इन सब की राय और सोच मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी मोटरवे तेरी मोटरवे पे लड़ाई हो सकती है, मेरा दौर अच्छा तुम्हारा दौर बुरा, यानी अपनी अपनी हुकूमतों की परफॉर्मेंस पर लड़ाई हो सकती है, तख्ती पर तख्ती लगाने का झगड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है, कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी। पाकिस्तान के अकाउंट में जहां IMF कर्जा क्रेडिट नहीं कर रहा, तो वहीं पाकिस्तान के चक्के भी जाम हो गए। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की दुर्गति हो चुकी है, जिसके बाद अब रेलवे को भी बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से रेलवे को लगातार करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उससे ये भी संभव है कि पाकिस्तान में रेल रोक दी जाए। इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया की मतलब फिफ्थ स्ट्रांग इकॉनमी रहे उसके पास,
और बाकी अगर आप वहाँ की और यहाँ की चीज़ों का मतलब अगर आप रेट देख लेना तो बहुत ज़्यादा है, और आवाम यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम यहाँ पे फंड ले तो लेते हैं, चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन अगर भेजते भी हैं कि नहीं भेजते उस चीज़ पे सवाल है। जब भी कोई कंट्री किसी को हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके सेंट्रल बैंक में रिजर्व अच्छे हैं। जब सारे बिजनेस बंद होंगे, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, इंडस्ट्रीज बंद होंगी और हम पैसा बहुत कम कमा रहे हैं, तो हम दूसरी दुनिया को, साइरिया को, तुर्की को, जहां पर जलजला है, तो हम कैसे सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान के जो हालात हैं उनसे तो लग रहा है कि 2025 तक पाकिस्तान के फिर से टुकड़े ना हो जाए, क्योंकि जब खाने के लिए नहीं होगा तो आवाम बागी बनेगी ही। बाकी पाकिस्तान की झलकियां देखिए जो पाकिस्तान के मौजूदा हालातों को बखूबी दर्शाते हैं। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। मेरे ख्याल पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।